हेलो फ्रेंड, मैं नरेंद्र आर्य, लाइफ मैनेजमेंट कोच। इस टीचर बेटरमेंट के मेडिटेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। यह मेडिटेशन उन सभी टीचर्स के लिए है जो अपने क्लास के रिजल्ट में सुधार चाहते हैं। इस मेडिटेशन का मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए कम से कम 90 डेज तक रेगुलर करना जरूरी है। इसे स्कूल में पढ़ाना आरंभ करने से पूर्व करने पर स्कूल के ओवरऑल रिजल्ट इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए इसे घर में भी किया जा सकता है। इसके लिए सुबह उठते ही और रात को सोते समय इसे प्रतिदिन करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेडिटेशन फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें और फिर हर 30 दिन बाद अपने प्रोग्रेस को भी उसी फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इस मेडिटेशन के लिए आप एक सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं, अपने पैरों को जमीन पर रखें और अपने हाथों को पैरों के घुटनों पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा में रखें और धीमे से अपनी आंखें बंद करें। आपका ध्यान आपकी श्वास के आने जाने पर हो। 3 बार श्वास अंदर बाहर करेंगे। धीमी गहरी श्वास अंदर, धीमी गहरी श्वास बाहर, फिर से धीमी गहरी श्वास अंदर लेंगे, धीमी गहरी श्वास बाहर, फिर से धीमी गहरी श्वास अंदर, धीमी गहरी श्वास बाहर। अब जो वाक्य मैं बोलने वाला हूं उसे आप मन ही मन रिपीट करेंगे। मैं अपने विद्यार्थियों की सफलता के लिए समर्पित हूं। मैं अपने विद्यार्थियों की सफलता के लिए समर्पित हूँ। अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की और प्रेरणा देने की क्षमता मुझ में है। अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की और प्रेरणा देने की क्षमता मुझ में है। विद्यार्थियों को सीखने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। मैं उनको समझने का प्रयास करता हूँ और उनको दूर करने का प्रयास करता हूँ। मैं लगातार सीखते रहता हूँ और टीचिंग स्किल को हमेशा इम्प्रूव करता हूँ। मेरे विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए और उनको दूर करने के लिए मैं धैर्यपूर्वक कार्य करता हूँ। मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ और मेरे टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने का प्रयास करता हूँ। अपने विद्यार्थियों के लिए मैं एक सुरक्षित और सहभागितापूर्ण सीखने के वातावरण का निर्माण करता हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अपने विषय को लेकर मैं बहुत जोश में रहता हूँ और उसी जोश के साथ ही मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जिससे मेरा यह जोश स्टूडेंट्स तक पहुँचता है। प्रत्येक स्टूडेंट अलग तरीके से सीखता है और मैं उनको सिखाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता हूँ।
मैं स्टूडेंट और पेरेंट्स तक अपनी बात प्रभावशाली ढंग से पहुंचाता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला फीडबैक प्रदान करता हूं, जिससे स्टूडेंट्स को प्रगति करने में मदद मिलती है। मैं अपने स्टूडेंट्स का रोल मॉडल हूं और अपने अच्छे गुणों को ही प्रदर्शित करता हूं। मैं पढ़ाने के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करता हूं। मैं अपने पढ़ाने के तरीके में रचनात्मकता और नवीनता को अपनाता हूं। मैं अपनी कक्षा में जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा देता हूं और नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए ओपन हूं। मैं चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखता हूँ। मैं प्रत्येक स्टूडेंट के संभावनाओं पर विश्वास करता हूँ और उनको उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लाने का मौका मिला। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 बार गहरी धीमी श्वास अंदर बाहर करेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। फिर से श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मलते हुए उत्पन्न एनर्जी को पूरे चेहरे पर स्प्रेड करें और मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोल दें। अगर यह मेडिटेशन आपको पसंद आया हो तो इसे अपने एक फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कर दें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें।